तो हेलो अस्सलामुअलैकुम। हेलो बच्चों, फैमिली कैसे हो जी? आपके लिए एक न्यू प्यारा सा व्लॉग लेकर आ गया हूँ, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। आज का जो व्लॉग है वो है मान डोगर के नाम से। जो मान डोगर आप जानते होंगे, जो रज्जब भट्ट के साथ रहता है, उसके बारे में है मान डोगर। तो आपको वो भी बताता हूँ, रुको जरा सब्र करो। और हेलो बच्चों, फैमिली ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हेलो बच्चों फैमिली में शामिल हो जाएं, क्योंकि जब हम हेलो बच्चों फैमिली बना रहे हैं, फैन नहीं बना रहे, हम अपनी फैमिली बना रहे हैं। जब तक आप हमें को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारे फैन होंगे, जब तक आप हमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारी फैमिली हेलो बच्चों में ऐड हो जाएंगे। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। फिर आप आते हैं मुद्दे पे। मान डोगर तो आप जानते होंगे, मान डोगर का एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें उसको दिखाया जा रहा है उसकी वाइफ। आप जानते होंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक पर ट्रेंडिंग चल रही है कि मान डोगर की ना जो वाइफ है वो दिखाई जा रही है। तो मैं आपको यही भी बताना चाहूँगा कि जो मान डोगर की वाइफ है ना, वो अभी तक आपने देखी है या नहीं देखी, वो आज को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये साइड में वीडियो देखें मान डोगर की। अगर रज्जब भट्ट इसे कह रहा था कि मैं आप बस एक बारी हाँ करें, मैं इसको इंडिया से लेकर आ जाऊँगा, तो मान डोगर यहीं वहीं करके कह रहा था। तो रज्जब भाई, आप मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो मान से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई जान से शादी कर लो, क्योंकि आप सिर्फ लड़की नहीं लेकर आ रहे, आप साथ में टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का ट्रेंड लेकर आ रहे हैं। तो आप जैसे उसको घर में आए लाएंगे तो आपका ट्रेंड बन जाएगा। ट्रेंडिंग मतलब कि आप एक वीडियो उसके साथ बनाएंगे तो आपकी बिलियन, ट्रिलियन, छिलियन के ऊपर से चली जाएगी। तो आप साथ में ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि मान डोगर के साथ इसका फेस जो है फिक्स फिक्स है या नहीं, वो आपने कमेंट में बताना है। तो यही थी आज की वीडियो, इतना ही करने पाए। हाँ, आज की वीडियो एंड, उम्मीद है थोड़ा सारी वीडियो अच्छी लगी उसे। अगर सारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वाला इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।